मैं निकलूंगा उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर। क्या प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश? बीजेपी के खिलाफ प्रचार करना। बीजेपी का सपोर्ट भी जा रहे हैं। कौन कह रहा? कानून वापस हो गया तो क्या हो गया? दुश्मन दुश्मन रहता है। सास तो मरवाए दिए और नाग मोदी साहब इसी उम्मीद में तो कानून वापस ले लिए हैं। उनको बता दो के मोदी ये किसान है या तो दुश्मन आगे करता नहीं और कर ले तो 300 साल भूलता नहीं। उन्होंने यही सोच के तो वापस लिया था किसान क्या चुनाव में? वो चुनाव में ये सोच के ना करा। इस किसान से डर है और डरती हैं सरकारें, डराने वाला चाहिए, और झुकती हैं सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। बोलो अब तो घर जा रहे हो? हर खुशी से तो बोल रहा हूँ। डांस करके भी दिखा दो। अरे डांस शाम को चलेगा। देखिए नाग को कभी धूप पालना नहीं चाहिए। नाग जब भी फण मारेगा काटने के लिए मारेगा तो ये नाग नागनाथ हैं। इनको जितनी जल्दी देश से उखाड़ के भगा दोगे उतना अच्छा है। देखिए 2000 यूपी साफ, दिल्ली साफ, उत्तराखंड साफ, पंजाब साफ, गोवा साफ, मणिपुर साफ, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे बीजेपी साफ, चाहे वो 24 में ले लियो। देखिए ये पलायन करके आए हैं। पलायन वालों को यूपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक को उत्तराखंड भेजना है और एक को गुजरात भेजना है। तो घर पे ही तो भेजेंगे, उनके तो वहाँ घर है ना। घर है घर वापसी होगा उनकी। तो अपने घर जाना, हमारे सिर पे क्यों बट्टे चढ़ के? कल हमने सुनने में आया आपको कल दिल्ली से भी एक गिफ्ट आ गया है। देखो जलन होने लगा पत्रकारों को। एक मेरे किसान, अब मैं दिल्ली से हमारे सिख समाज से आया था। मैंने मना भी किया पर सब किसान भाई कहने लगे ताऊ ये है। तो वो उन्होंने उस पर लिखा था वॉरियर्स योद्धा, वॉरियर्स ऑफ SKM 2020 और 21 जो उन्होंने लिखा। पहले गिफ्ट आया था जब आंदोलन शुरू हुआ था तो लंदन से आया था और आंदोलन खत्म होते होते दिल्ली से गिफ्ट आ गया आपके लिए। मोदी की कुर्सी हिल गई। अच्छा कुर्सी हिल गई दिल्ली, जब दिल्ली के लोग भी ताऊ को पसंद करने लगे तो अब कुर्सी हिल गई। अब दिल्ली क्या, कहीं भी जाओ आपको लोकप्रियता देखने को मिलती है। लखनऊ ले लीजिए, वहाँ महापंचायत या कहीं भी ले लीजिए, सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ये सब मेरे देश के किसानों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, माता बहनों का प्यार है। ये मिलता है इनको अच्छा लगता है तो प्यार कर है। इन्होंने वो जादू है कि जिस छल और कपट से ये सरकार बनी थी, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी में बकाया था और मेरे बुजुर्गों को 15-15 लाख में बकाया था, तो इनके काबू में आया नहीं। तो किसान ने उसे काबू में करके उसके नाथ फोड़ दिए, काबू में कर दिया। देश वापस ले लोगे? देखिए ना देश झुकने देंगे ना देश बिकने देंगे। किसानों की बहुत बड़ी जीत हो गई तो? नहीं, ये पूरे देश की जीत है, पूरे देश की जीत है। और जो 709 किसान हमारे शहीद हुए हैं ये उनको समर्पित है। लेकिन आप कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि जहां किसानों का पहले कहना था वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो मुकदमा। जरा उसका फैसला आने दो, टेनी को भूलने नहीं देंगे। हाँ की थी, आ रहे ना उत्तर प्रदेश में, आ रहे, अब दिखा रहे हैं, अब जा रहे ना हम लोग। और कल कैराना में रहूंगा, कैराना में टिकैत साहब के साथ। और जहाँ जहाँ योगी सभा करेगा किसान उसके पीछे ट्रैक्टर लेके वहीं वहीं रहेगा। अच्छा मतलब योगी जी के नक्शे कदम को चल रहे हैं? नक्शे कदम नहीं, पीछे रहेंगे। वो देश में नफरत फैलाएगा और हम प्यार बांटेंगे। वो तोड़ने का काम करेगा, हम जोड़ने का काम करेंगे। घर जा रहे हो, शाम को किस तरीके से जश्न मनाओगे घर जाते? नहीं घर क्या जश्न मनाना, जश्न मनाऊंगा, यही मेरा घर ही तो है, ये परिवार है। आज गांव से मेरा भतीजा आया, पूछ रहा गांव कब चलोगे। अच्छा। मगा भैया जो बुलाना हो तो बुला लियो, ना तो किसी गुरुद्वारे में लौटेंगे। कल यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा, डांस किया जा रहा था, आपने डांस नहीं किया, लोगों ने सबका डांस देखा लेकिन आप पर...
चलो आ जाओ आ जाओ भंगड़ा पावेंगे चलो चलो ये हो गया ना। चलिए ताऊ सबने अब आपको भी डांस करते हुए देख ही लिया। ताऊ अब तो यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो अब घर पे आएंगे पार्टी करने के लिए। हमारा मन नहीं लगा। जब मर्जी हो नंबर तुम्हारे सबके पास है, जब मर्जी हो ताऊ को याद कर लेना। गन्ने का जूस पियेंगे, हाँ है रस की खीर भी खिलाएंगे, मट्ठा मिलेगा, मट्ठा सरसों का साग और मक्की की रोटी और मट्ठा और गुड़ की डली। कानून ना बना, अरे आने तो दे किसी को, चुनाव होने तो दे। तो क्या बात है, आप सपा की रैली में मिलते हैं? अरे कोई बुला ले तो वहाँ जाऊँ ना। मेरी क्या दुश्मन आ गई? मेरी दुश्मन आ गई दो लोगों से, आरएसएस से और बीजेपी से। उनकी मैं नहीं मिलने का लाली तुझे। आरएसएस से क्यों है, बीजेपी से है, चलो माना आरएसएस से क्यों है? अरे वो एक ना एक सांप नाथ एक नागनाथ एक ही तो वो दुमई होवे ना दुमई, वो दो मुंह वाले यही तो हैं। अच्छा दो मुंह वाले हैं। चलिए राकेश जी, कह जी तो बाजरे की रोटी घर जाके खाएंगे, आप क्या खाएंगे? आपका भी कोई स्पेशल फूड होगा? देखिए मैं बहन के साथ रहता हूँ और आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने अपने घर में ये नहीं कहा कि ये बनेगा। बहन ने जो बनाया वही फेवरेट फूड वही खाता। आपका फेवरेट खाना क्या है यही बता दो आज। जो मेरे परिवार में बन जाए वही मेरे लिए सबसे फेवरेट होता है, चाहे नमक की चाहे नमक पसंद नहीं है आपको? ना। आज तक खाई नहीं, कैसी लगती है पता नहीं। अच्छा। वो तो मोदी खाता। तो आप बहुत मशरूम की करते हैं मोदी जी। वो करता हूँ कि देश का सबसे गरीब आदमी मशरूम की रोटी और काजू मशरूम की सब्जी और काजू की रोटी खाता है, इस देश का फकीर झोले वाला। और मशरूम आती है, देखो अभी मुझे तो जानकारी भी नहीं, हम तो झोला लेके चले जाए। देश से मंगाते हैं 80,000 में एक मशरूम आती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।